हरे कृष्ण सुधी भक्तमंडली युद्ध 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 कथाटर साथे आम्रा सकले परिचित कुरुक्षेत्र रणांगणे जे युद्ध हुएछिलो से युद्ध थेके आम्रा अनेक विषय शिक्षा लाभ करते पारी। तो आमी अनेकगुलो विषय बोलबो ना, एकटी विषय सम्पर्के एखन आमी आपनादेर सामने आलोचना तुले धरबो। से विषयटी हच्छे भगवान काउके जदि बाचिए राखें ताहले एई जगते ताके मारार ताके निहत करार शक्ति कारो नेई। आर जदि भगवान इच्छा करें जे एर मृत्यु अनिवार्य ताहले तार मृत्यु अवश्य हबे। तो एखन आमी एकटी घटना आपनादेर सामने वर्णना करब, आपनारा मनोयोग सहकारे ए कथागुलो श्रवण करबेन। कुरुक्षेत्रेर युद्ध शुरू हबे ठीक आगेर मुहूर्ते दुटा छोट छोट पाखी टुनी और टोना, ये छोट पाखी स्वामी स्त्री। जे सेले पाखीटा टोना से तार स्त्री के बोलछे जे टुनी, ये कुरुक्षेत्र रणांगणे अनेक बड़ युद्ध हबे, सुतरां आम्रा तो अनेक छोट, ये युद्धेर मध्ये आम्रा किभावे बेचे थाकब, तार थेके बरं आम्रा ए स्थान त्याग करे अन्य कोथाओ चले जाई। तो एभावे जखन से टोना टुनी के बोलछेन, टुनी बोलछे ओगो स्वामी, आमी शुनेछि परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण अनादिर आदि गोविंद ये कुरुक्षेत्रेर रणांगणे आसबेन आर एशे तिनी स्वयं ये युद्धेर मध्ये उपस्थित थाकबेन। तो आमी ये पाखी शरीर निये पक्षी शरीर निये जदि भगवान के दर्शन करे ये युद्धेर मध्ये प्राण त्याग करते पारी ताहले आमार जीवन धन्य हबे। हे स्वामी, आमी ए स्थाने थेके परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन करते चाई। तो तखन टोना चिंता करछे जे ए टुनीर मतिभ्रम हो गेछे, जे टुनी तुमी जदि आमार कथा ना शोनो ताहले आमी तुम्हाके छेड़े आमी अन्य कोथाओ चले जाबो। तेभावे अनेक अनुरोध करार परेओ जखन टुनी शुनलेन ना तखन सेई टोना ओई स्थान छेड़े अन्यखाने चले गेलेन आर टुनी सेखाने बास करते लागलेन। तेभावे एक दिन दुई दिन तीन दिन जखन कुरुक्षेत्रेर युद्ध शुरू हबे ठीक सेई समय भगवान श्रीकृष्ण जखन कुरुक्षेत्रेर रणांगणे उपस्थित हयेछेन, भगवानेर एकटा विशेष गुण रयेछे, भगवान सकलेर कथा बुझते पारेन, मानुषेर कथा बुझते पारेन, पाखिर कथा बुझते पारेन, जंतु जानोयार जत प्रकारेर जीव रयेछे सकलेर कथा भगवान बुझते पारेन। सेई पाखिटी केंदे केंदे बोलछेन जे हे गोविंद, आमी तो एई पाखिर देह पेयेछि, एई पाखिर देह पेये आमी कि तोमाके आर सहयोगिता करब, किभावे तोमार सेवा करब। तबे हे गोविंद, आमार जे मन आमार जे प्राण आमी तोमार चरणे अर्पण करलाम। हे प्रभु, कृपा करे आमाके एई बद्ध दशा एई पाखी देह थेके मुक्त करो प्रभु। तो तखन भगवान सेई पाखिर भाव बुझते पेरेछे। तो बोलछे टुनी, तोमार कोनो चिंता नेई, कुरुक्षेत्रेर युद्ध शुरू हबे एखन आर तुमि ए युद्धेर मध्ये ए कुरुक्षेत्रेर रणांगणे अवस्थान करबे, युद्ध शेषे आमि तोमाके मुक्त करब। तो तखन सेई पाखिटी केंदे केंदे बोलछेन जे हे प्रभु, ए कुरुक्षेत्रेर रणांगणे महायुद्ध हबे আর আমি ছোট্ট পাখি কিভাবে থাকবো এখানে। তখন ভগবান বলছে যে হে টুনি, তোমার কোনো চিন্তা নেই, আমি তোমাকে সুরক্ষা প্রদান করব।
अर्जुन के भगवान बोलें, हे अर्जुन, ओ जो अश्वतमा हाथी गलाय घंटाटा आखने तुम तीर निक्षेप करो, ओ घंटाटा के केटे फेलो। जेई कथा सेई काज, घंटाटा के केटे दिलें। और भगवान भीम के बोलें, भीम ये घंटाटा नाओ, निये आमार साथे चलो। भीम अर्जुन एवं परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण से पाखीटर का गेलें। भीम के बोलछेन, भीम ये पाखीटी के ढेके दाओ। तो तखन से पाखीटी केंदे केंदे बोलछेन जे हे गोविंद, एखाने युद्ध होबे आर आमी एई घंटार नीचे थाकले तो ना खेये मरे जाब। तखन भगवान बोलें, हे टुनि, आमार इच्छाते जतदिन पर्यन्त एई कुरुक्षेत्रेर रणांगणे युद्ध चलबे तोमार कोनो खिदा तृष्णा किछु लागबे ना। हाँ, तखन सेई पाखिटी भगवानेर कथाय सेई घंटार नीचे अवस्थान करते लागलें। सेई पाखिटी गर्भवती अवस्थाय थाकार कारणे तार दुइटा बाच्चा हयेछिलो। कुरुक्षेत्रेर युद्ध 18 दिन प्राय चलेछिलो। युद्ध शेषे जखन से घंटाटाके भीमेर द्वारा उत्तोलन करलें, से पाखिटी भगवान के दर्शन करे भगवान चरणे लुटिए पड़े जखन प्रणाम करलें, हे गोविंद, हे प्रभु, आमार कत जन्मेर सौभाग्येर फले आमी आपनार कृपा लाभ करते पेरेछि। हे प्रभु, आमार प्रति आपनार सुदृष्टि प्रदान करुन। एभावे जखन से देह थेके मुक्त हवार बासना करेछे, भगवान श्रीकृष्ण संगे संगे से पाखीटीके आशीर्वाद करे दिलेन। आर संगे संगे से पाखी देह त्याग करे से एकटा दिव्य देह धारण करलो। भगवान के प्रणाम करे बोलछेन, हे गोविंद, आपनार कृपाते आमी दिव्य देह लाभ करेछि, तबे हे प्रभु, आमी नारी जाति, आमी पाखी होलेओ मा, आर आमी तो मुक्त हुए चले जाच्छि, तबे आमार दुइटी सन्तान ए जे पाखी, तारा पाखिर देह लाभ करे आछे, तार बाबाओ ताके छेड़े चले गेछे, एखन तादेर कि हबे प्रभु। तखन भगवान बोललेन, तुमि जेहेतु आमार भक्त आर आमार शरण ग्रहण करेछो, ताई हे टुनि, तोमार जन्य तोमार एई सन्तान दुटिओ एई जन्मेई मुक्ति प्राप्त हबे। एरा एई पृथिबीते किछुदिन अवस्थान करार परे देह त्याग करार पर तोमार काछे तोमार सन्तान रूपे अवस्थान करबे। नीताय गौर सीतानात्रमानन्दे हरि हरि गौर। এভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটা ছোট্ট চড়াই পাখিকে কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন। আর অন্যদিকে আমরা দেখতে গেলে দেখতে পারি অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইছে না, কিন্তু ভগবান অর্জুনকে বলছেন যে হে অর্জুন, তুমি নিমিত্ত মাত্র যুদ্ধ করো, এই সমস্ত যোদ্ধারা আগে থেকেই নিহত হয়েছে, তোমরা পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত এই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে সকলে নিহত হবে, হে অর্জুন, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও, তুমি এর কর্তৃত্ব গ্রহণ করো। সকলে নিহত হয়েছিলেন। তো এই জন্য এই বিষয় থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করতে পারি? আমরা যদি ভগবানের শরণ গ্রহণ নিয়ে থাকি, আমরা যদি ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে থাকি, তাহলে ভগবানের ইচ্ছাতে ভগবান যদি চান আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবেন, এই দেহ থেকে মুক্ত করে তার ধামে নিয়ে যাবেন। আর যদি ভগবান চান যে না সকলে নিহত হবে, তাহলে এই জগতে কেউ কাউকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তি নাই। মনে করছি আমার আত্মীয়, আমার স্বজন, আমার পরিবার আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে, কিন্তু কালরূপী যে মৃত্যু, সেই মৃত্যু কাউকে ছাড়বে না। একদিন না হলে একদিন তাকে অবশ্যই অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে।
তাই হে মানুষ হে জীব সকলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ গ্রহণ করে ভগবানের কাছে প্রপত্তি স্বীকার করুন। আর ভগবান ভগবদ্গীতায় বলেছেন, মামেব প্রপদ্যন্তে মায়ামৃতং তরন্তিতে। কেউ যদি ভগবানের চরণে প্রপত্তি স্বীকার করে তাহলে ভগবান তাকে এই মায়া থেকে মুক্ত করে তার ধামে নিয়ে যাবেন। নিতাই গৌর সীতানাত্মানন্দে হরি হরি বল। তো আমাকেও কৃপা আশীর্বাদ করবেন, আমি যেন ভগবানের শরণ গ্রহণ করে এই বাকি জীবনকে অতিবাহিত করতে পারি। এই বলে আজকের ভিডিও এখানেই সমাপ্ত করছি। এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সাবস্ক্রাইবের পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল বাটন সিলেক্ট করে দিয়ে রাখুন। ভিডিওটি আপনাদের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে দিন। আর ফেসবুকে যারা দেখছেন, ফেসবুক পেজটি লাইক ফলো করুন, যার মাধ্যমে আমি যখনই কোনো ভিডিও পোস্ট করব সেই ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনার কাছে সবার আগে চলে যাবে। আজকে আর দীর্ঘায়িত করছি না, এখানেই সমাপ্ত করছি। আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও নিয়ে। হরে কৃষ্ণ।